हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो की शुरुआत करते हैं इन प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डायंथस के फूलों के साथ। और ये आपको मैंने बताया था कि जो जयपुर से शॉपिंग करके लाए थे ये डायंथस के पौधे हैं, और ये कैलेंडुला की हैं जिनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, और ये गजानिया की है लेकिन, और ये देखिए ये मैं शॉपिंग करके और लेकर आई। अभी संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे जयपुर गई थी मैं, तो ये देखिए सफ़ेद फूलों की, और इस ये प्लांट देखिए कितना हेल्दी है, ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। जब भी आप रोज़ का प्लांट लेना तो आप नर्सरी पर ये ज़रूर देखें कि वो हेल्दी होना चाहिए। उसके आप लोग क्या करते हैं कि फूलों को देखकर ही ले आते हैं कि हाँ भाई बड़ा सुंदर फूल, चाहे फूल भले ही ना खिला हो, कलियां हो, और लेकिन आप ये देखिए कि उसको प्लांट कितना हेल्दी, उसकी पत्तियां कैसी, उनकी पत्तियों पे इंसेक्ट तो नहीं है। ये देखिए एक ये लेकर आई, ये कलर कितना सुंदर कलर है। ये देखिए आप कितना हेल्दी प्लांट है, कितनी एक भी ब्राउन पत्ती नहीं है इसमें, एक भी इंसेक्ट वाली पत्ती नहीं मिलेगी। और ये डिमोफोर्थिका के हैं, अभी बंद है ये कली, और अभी ये धूप से ही ज़्यादा खिलते हैं। और एक ये रोज़ प्लांट लेकर आई मैं, ये देखिए ये भी बहुत हेल्दी है, और ये भी एक डिमोफोर्थिका है। और डायंथस और गजानिया के बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हुए थे, लेकिन ये गिलहरी है ना डायंथस, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। और गजानिया के भी फूलों को देखिए, इसलिए देखिए इस तरह से ये खा रही है, और ये देखिए तो इसका गिलहरी का तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। और ये 10 पिटूनिया की पौधे हैं जो मैं और लेकर आई है, इस पर उनके पास आजकल एक तो धूप नहीं खिल रही तो ये इस पर फूल नहीं आए हुए थे, लेकिन फूल आ जाएंगे, तो मैं 10 पौध ये लेकर आ गई, और इनको संडे को कल ट्रांसप्लांट करेंगे। और अब देखिए कि मैं इनको जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, पानी सुबह सुबह मैं इनको डाल रही हूँ, ये मैं एक एक, वैसे पानी है इनमें ये एक एक, ये फटा हुआ दूध है, जब हम दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं और उसमें से जो बच जाता है वो इनको कैल्शियम और आयरन प्रोटीन देगा, तो ये एक एक ग्लास समझ लीजिए, कप समझ लीजिए, मैं सारे पौधों को और दूँगी, जिससे क्या है कि इनको भी न्यूट्रिशन मिलेगा जिस तरह से हमें मिलता है। फटे हुए दूध का जो पानी बचता है आपको पता है वो कितना अच्छा होता है, तो ये यहाँ पे भी सभी प्लांट को और थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनके प्राइजेस थे, और आप जयपुर में कहाँ से शॉपिंग करें, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।